राजीव बाबू के लिए आए थे। उस आदमी को तो तुमने पैर का बिछिया बनाकर रखा हुआ है। उस आदमी का भी हमको समझ नहीं आता है, है राजकुमार लेकिन नौकरानी का कहां मानता है। छी। कहीं सुन तो नहीं लिए, बनना गरजने लगेंगे हम पर ही। दीदी हम कर दे तुम्हारा मदद, प्रसाद हम बना दे। वैसे तो बड़का बाबू सरात का कोई भी काम करने से हमको मना किए हैं, हम तुम्हारा तो मदद कर सकते ना, हम बना देते ना प्रसाद। ताकि तुम सबको जाकर बोल सको हंसनी जी का प्रसाद जल गया तो हम बना दिए, इतने भी बेवकूफ नहीं है हम। जाओ वहाँ बर्तन धो। ठीक है। इसे ही दे देगा, खा लेंगे। श्राद्ध की क्रिया सबके बीच होती है, परिवार और परिजनों के बीच, और हम यहाँ एकांत में वीराने में तुम्हारा श्राद्ध कर रहे हैं शंकर, हमें माफ कर देना। हो गई पूजा? कितनी अजीब बात है निधि, वहां घर में चित्रा भाभी का श्राद्ध पूरे नियम पूरे इंतजाम के साथ, और यहाँ आप जीजा जी के साथ एकांत, ना पंडित ना पोथी के श्राद्ध कर रहे हो। तुम तो सब जानते हो ना बानो, उनकी मौत किस तरह से हुई, किन हालातों में हुई, इसीलिए उनके लिए जो भी कर पा रही हूँ काफी है, बस उनकी आत्मा प्रसन्न रहे और वो जहां भी हो जिस लोक में हो खुश रहे। बस इस बात का ध्यान रखना कि किसी को कानो कान भनक ना लगे। देव का नजरिया तो तुम्हें पता है ना? और हाँ चलिए, इससे पहले कि कोई भूले भटके यहाँ आने जाए। भूले भटके नहीं लेकिन आ तो गए हम प्रभा दीदी, और वो भी तब जब नजर और नजरिया दोनों आपके खिलाफ बदल रहा है। जल्दी से दवाई लें तो राजीव बाबू बहुत भड़केंगे। ये चप्पल को भी अभी टूटना था। जल्दी से जाके दवाई खा लेते हैं नहीं तो। एक आ चुक गया। जमीन डंक मार रही है गुइया। घर में उड़ती फिर रही थी, अब बकर बकर पर वचन कर रही थी, अभी सीसा में धरो पाओ फिर हम सुनेंगे तुम्हारी चीख। बहुत चप्पल में चटर चटर मटक ली, अब कांच पर चलकर दिखाओ कोहिया। माथा का ही चकरा रहा है हमारा। पानी
तूफान। बढ़िया ही साथ करवाने, अब दो कदम चलकर दिखाओ कोई आप अपने उस आंख से लाचार बलम के साथ। श्राद्ध के होम होने तक भी पहुंच गई ना, अब तुम मुंह के बल गिरोगी मुझे उसी। दादा आइए। दे पापा, थोड़ा हमरा भी तारीफ कर दीजिए। क्यों? श्राद्ध और कुहू दोनों का इंतजाम करती हैं। कुहू का तो ऐसा पर काटे हैं कि मजाल है कि एक कदम भी उड़ पाए। नहीं, तुम्हारे बड़े बोलेपन पे अभी यकीन नहीं रहा हमको। हाँ तो खुद ही देख लीजिएगा। चावल के खीर की पिंडियां कहाँ हैं? बहुरानी, चावल के खीर की पिंडियां? हम बनाना भूल गए। भूल गई? हाँ तो उसके बिना कर लीजिए पूजा। कैसी बात कर रही हैं बहुरानी? श्राद्ध में पूजा चावल के खीर के पिंडियों की ही होती है। चित्रा जी के नाम से पिंडियां दी जाएंगी पितरों को, इसके बगैर पूजा असंभव है। पंडित जी, कुकर में थोड़ा भात बचा हुआ है, वो ले आए। कैसी बेतुकी बातें कर रही हो अंशनी। एक काम कहा था तुमसे, वो भी ढंग से नहीं हुआ तुमसे। सारा दिन तुम्हारी ऊट पटांग हरकतें बर्दाश्त करते रहते हैं, तुम हमारी एक बात संजीदगी से नहीं ले पाए। हंसिनी, हमारी माँ का श्राद्ध है, कोई मजाक नहीं। एक मिनट संजीव, ये क्या हो रहा है यहाँ? ये सब लोग हर सवाल हंसिनी से क्यों कर रहे हैं? वही तो। किसने कहा हंसिनी को ये सब काम करने के लिए? इसकी इजाजत से श्राद्ध का काम हाथ में लिया तुमने? हमने कुहू को कहा था ना ये सब काम करने के लिए। हालांकि वो बकलोल है, बेवकूफ है, आमचोर नहीं है वो। कामचोर? हम? कुहू? कुहू? राजीव फोन को बुखार है। कुहू? बाहर आओ कमरे से। पंडित जी, हम अभी आते हैं। अरे रुको, यहाँ पंडित जी पूजा शुरू करने वाले हैं, और करता घर भर में घूमता रहेगा कुकू के नाम से। रो जाओ, चावल की पिंडियां लेके आओ, और तुम खड़े क्या हो? वापस आओ यहाँ। कितनी पावन पूजा में अशांति मचा के रखी हुई है। मामूली सी चावल की पिंडियों के लिए सब ये मामूली आपके लिए? जिस सामग्री के वजह से माँ का श्राद्ध रुक जाए वो मामूली है? हमारी माँ के लिए ये पूजा हो रही है, ये बात भी मामूली आपके लिए? हमारी माँ दुखी है, अशांत है, ये बात भी मामूली आपके लिए? होगी, आपके लिए मामूली होगी, लेकिन हमारे लिए ना, हमारी माँ से जुड़ी कोई भी बात मामूली नहीं है, समझे आप? देव नारायण चंदेल। बदतमीज, बेशरम, ये सलीका है बाप से बात करने का? क्या कहा आपने? बदतमीज। हमने राजीव बाबू को वचन दिया है कि उनकी माँ की आत्मा को शांति दिलाएंगे। आप कौन है बताइए? कौन है आप हमको तमीज का सबक सिखाने वाली? कौन है आप इस घर के मामले में दखल देने वाली? मेहमान है, मेहमान बनकर रही हो। देख रहे हैं आज हमारी पहचान पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। हम तो सोचते हैं क्या सही परिचय करवा ही दे सबसे अपना। हम आते पंडित जी। ये क्या स्थिति खड़ी हो गई, अभी ये भटकते हुए आउट हाउस की ओर न चल दे। इस रात पूजा में बैंड बजेगा, जब राजीव जी को कुहू का नया पता मिलेगा, आउट हाउस, पोस्ट ऑफिस, चंदेल भवन, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। कुहू? 2, 3, 4, 5, 6। कुहू? कुहू को कहीं देखा क्या? नहीं सर। कुहू?
खा रहे हैं। राजीव अरे घर में सब बहरे हो गए क्या? किसी को हमारा आवाज सुनाई नहीं देता? अरे कोई सुन रहा है हमारी आवाज या सब बहरे हो गए यहाँ पर? कब से कू कू कर रहे ना, वो जवाब दे रही है ना आप लोग? अरे कोई कुछ बोलेगा? बुआ जी, चाचा जी, भूमि, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? राजीव बेटा वो कू हम यहाँ है राजीव बाबू। श्राद्ध के लिए चावल का पिंडा बना रहे थे। ये है क्या तुम्हारी परकटी चिड़िया? हाँ, चावल की पिंडिया आउटहाउस में बना रही थी, ये था तुम्हारा इंतजाम? पूजा पाठ में हल्ला गुल्ला अच्छा नहीं होता, आप सगुन होता है ना, और माँ जी का श्राद्ध का पूजा है। चलिए पंडित जी, ये नया चावल का पिंडी बनाए हैं। उत्तम, अति उत्तम। कर्ता सामने आ जा। जी पंडित जी, तैयार हैं हम। अब पूजा प्रारंभ कीजिए। धार्मिक अनुष्ठान में पत्नी का साथ बैठना बहुत ही शुभ होता है। कू? हम यहीं आपके साथ, आपके बगल में। आप अनुष्ठान पर ध्यान दीजिए, बैठिए। आप हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश का ध्यान कीजिए। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्थजम्बू फलसार भक्षितम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। माथा बहुत दर्द हो रहा है। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, रक्षा करो। भोले बाबा मदद, भोले बाबा मदद, शरीर नहीं उठ रहा हमारा। हम ठीक है भोलेनाथ। काग महाराज नमन है आपको। भोजन के लिए कुछ धन वहां पर रख दीजिए। अब एक बार अपने सभी पितरों और पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनसे आशीष मांगिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारी तो बस इतनी कामना है पंडित जी की,
हमारी माँ जा कहीं भी रहे सुखी रहे, शांत रहे और बेफिक्र रहे। आपने सच्चे लगन से पूजा की है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप हर पल हमारे साथ हो माँ, अपने आप को कभी अकेला मत समझना, खुश रहना, तभी हम भी खुश रह पाएंगे। आपकी मुक्ति का द्वार खुल गया है माँ। कहो बेटा, माँ ने सपने में राजीव को संदेशा दिया, अब भोलेनाथ ने तुम्हें धरती पर, तुम्हारे बिना ये पुण्य कार्य ना संपन्न ही नहीं हो पाता। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा कोई बात नहीं है। देवी देवता का जो कार्य होता है ना, वो देवी देवता के इच्छा से ही होता है। हम तो बहुत मामूली हैं उनकी इच्छा के आगे। तो क्या है रे, हाँ हर बार मन मोह लेती है। खुश बुआ जी, आज से इस घर के सभी जरूरी घरेलू काम कु को दे देने चाहिए। जिम्मेदारी दिखाई है इसने। वक्त और अपने बात की पाबंद है, सिर्फ बोलती नहीं है, करती भी है। ते पापा, हम कह रहे हैं ये लड़की कोई ओझा गुनी जादू टोना करती है, पर ना इतना जल्दी कोई कैसे, इतना आंधी तूफान में खीर का पिंडिया बनाकर ले आएगा? कुछ गड़बड़ है, हम बता रहे हैं। उसकी छोड़ो, तुम अपनी सोचो। तुम भी भोले बाबा को मना सकते हो तो मना लो, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। अवधेश, घर का सारा फालतू कबाड़ घर के बाहर फेंक दो। हमको बाहर में रहना है। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमको बाहर में रहना है। एक-एक सितारे बुलंद हो गए हैं इसके, पर नजर रखो घरेलू जिम्मेदारियों के आड़ में घर में न बस जाए। ठीक है, हमारी जवाबदारी है। बेटा, तुमने मुझे कष्टों से मुक्त कर दिया। हम यहाँ है राजीव बाबू, श्राद्ध के लिए चावल का पिंडा बना रहे थे। माँ, ये हमने नहीं, ये इसने करवाया है। कौन है जाने कहाँ से हमारे वीरान अंधेरी जिंदगी में एक सपने की तरह आ गई। इसके आने के बाद ना माँ, सब कुछ बदल गया। जानते थे माई कि राजीव बाबू देख नहीं सकते, माँ। को यहां सॉरी सॉरी लगी तो नहीं ना तुमको? को वो माँ ही थी हमारे सपने में, संदेशा देकर गई। माँ? हाँ, कह रही थी कि खुश है, मुक्त है, हमारे सर पे हाथ फेराया उन्होंने, महसूस किया हमने। को थैंक यू, को थैंक यू सो मच। ऐसा कोई बात नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं, जो भी किए हैं ना भोले बाबा किए। दूर रहो राजीव से, कहीं कोई संभावना न बन जाए दुर्घटना की। अरे कहाँ जा रही हो तुम? नवरात्र है ना कल, बुआ जी हमको कुछ काम बोली है। अरे वो सारे काम रहने दो, अभी पहले आओ, कुछ कहना चाहते हैं हम तुमसे। आओ आओ। नहीं, अभी हमको जाना है। हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझकर हमसे बात करना नहीं चाहती, दूर जाना चाहती हो? कुछ बोलो हमसे, क्या हुआ है? ऐसा नहीं है, बस हमको जाना है। एक ही रट लगाए बैठी हो कि जाना है जाना है जाना है। अरे क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? एक पल तुम हमारे अंदर विश्वास की जोत जला रही हो, हमारे अंधेरे जीवन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो तुम, और दूसरे ही पल
हमसे दूर भागने की कोशिश करती हो। अरे क्यों कहूँ तुमसे पूछ रहे, जवाब दो यार, क्यों बोलो? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। तुम्हारे ऐसा करने से पागल हो रहे हम, दिमाग खराब कर रही हमारा। कभी देखो तो बकबक 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 और दूसरे ही पल सन्नाटा, बहुत का सन्नाटा होना वैसा। अरे चाहती क्या हो तुम हमसे? हम आपसे। अरे आपसे क्या, पूरी बात तो बोलो, जवाब तो कहूं। अब तुम ये छींक क्यों रही हो? अब हकलाना भी शुरू। अरे क्या हुआ है? तुम्हारा बदन तो बुखार से तप रहा है। मेरा तबीयत नहीं संभल रहा है। अरे तो बोल देती ना, कब से तुम पे चीख रहे, चिल्ला रहे, फटकार लगा रहे तुमको हम, और तुम यहाँ पे बुखार में तपती हुई भूत बनी खड़ी हो। बताती क्यों नहीं हो कुहू? जाके सो जाते। चलो हमारे साथ आओ। आप भी सो जाएं, हम सो जाएंगे। यहाँ ऊपर आके सो रहे, ठीक है? तुम आ। चलो आओ। हे भोले बाबा, हमारा ये गीत 15 मिनट में शुरू होगा, और हमारे लिए राजीव बाबू का ये जो फिक्र है ना, शांत नहीं होगा जब तक कि वो चैन से खुद ना सो जाए।